दिल्ली के शाहीन बाग में आपको बता दें कि सीए को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक युवक द्वारा प्रदर्शनकारियों के पास फायरिंग करने की घटना के बाद शाहीन बाग में अब सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार की शाम रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए पुलिस ने वहां मेटल डिटेक्टर भी लगा दिए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरएएफ की तैनाती नियमित सुरक्षा उपाय का एक हिस्सा रही है और देश की राजधानी में जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और एक के बाद एक तीन बार गोली चलने के मामले सामने आए हैं, उसके बाद जामिया इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शनिवार को कपिल गुर्जर नाम के एक शख्स ने शाहीनबाग में प्रदर्शन स्थल से करीब 150 मीटर दूर हवा में फायरिंग की थी और अब इसके बाद वहां पर बलों की तैनाती की जा रही है ताकि तनाव की स्थिति वहां पर ना बन पाए।